जी हाँ, आज है हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। दो दो बाबा का सालगिरह है, वो ज्यादा खुश है। और यहाँ जो पानी का फवारा चल रहा है, किरण सारा यहीं पर खेले। गुरु का स्टार्टर भी आने वाला है, सभी लोगों का अब जो है खाना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जी सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं और अब बारी है केक कटिंग सेरेमनी की। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी हम लोग शादी अटेंड कर ली और शादी से जो है हम लोग आ गए अपने घर। काफी अच्छा रहा जी मधुबनी में हमारा सफर, बहुत एंजॉय किए, खूब मजा किए और सच में जी काफी मान सम्मान मिला, काफी आदर मिला। और उसके बाद जो है फिलहाल हम लोग कटिहार में देख रहे होंगे, अभी हम जो है ड्रेस पहने हुए हैं, अभी लोग यहाँ पर तैयार हैं। तो अब तक तो आपको टाइटल से मालूम भी चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। जी हाँ, आज है हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी और हमारे मौसा मौसी, वो हमारे चाचा चाची भी हुए। आखिर किस तरह से हुए मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की जरूरत है। तो उन सभी की जो आज एनिवर्सरी है, तो हम लोग जा रहे हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो सबसे पहले उन सभी को हैप्पी एनिवर्सरी और भगवान से हम दुआ करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे और हम लोगों का इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे। तो फिलहाल आंटी चले, अब चले बस, अब प्रयास को तैयार करते हैं। तो हम लोग को निकलना था 7 बजे, आधा घंटा हो चुका है डिले। जी तुम्हारा हो गया तैयार हुआ? ठीक है चलो। तो इसका ये पेंट हो गया और वो दे दो कपड़ा, बोतल बाबू के नीचे जैकेट नीचे है, ठीक वो लेते हैं। मैं सोच रखी थी जब चली जाऊंगी, लेकिन दीदी बोली जी बहुत दिन के बाद सालगिरह एक बार दोनों बहन का साथ में हो जाए तो तुम काहे जाएगी जब आ गई है। तो अगर भाई साहब भी रहते ललित कुमार ठाकुर तो वो लोग भी साथ रहते, नहीं है तो उनके बदले में हम लोग उनका नाम ले लेते। बिल्कुल। तो चलते हैं जी अब सीधा नीचे यहाँ से और क्रियांश को तैयार करते हैं। सब लोग तैयार हो गए, क्रियांश को पहले नहीं तैयार किया गया क्योंकि पहले तैयार किया जाता है तो कपड़ा गंदा करके तैयार रहता है पहले। दो दो बाबा का सालगिरह है, वो ज्यादा खुश है, ज्यादा खुश है। ये देख तो क्रियांश को आपको दिखाते हैं। ए क्रियांश, ए हे, ए ते ते ते, ये देखिए खुशी खुशी है। हाँ आप खुश है, दादा दादी की एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी है दादा दादी की, इसलिए खुश है तुम। हाँ ए हे, गाड़ी गंदा हो गया बहुत, इसको साफ करवाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है पाइप से कर देगा ना। बात क्या, कहीं जा रहे हैं फिर घर आ रहा है फिर गाड़ी निकल जा रहा है, तो बीच में मौका ही नहीं मिला। गाड़ी साफ करने वाला मशीन है, तो वहाँ जाने तक अभी समय नहीं मिल रहा है ना, इतना हम लोग का प्लान टाइट है। ससुराल का लाभ लो। अच्छा ठीक है बैठो। तो A few moments later. तो हम लोग जी घर से निकल गए और घर से निकल करके आ गए काली माँ के मंदिर और यहाँ पर पूजा अर्चना की। और कुछ बोलना चाह रही है क्या? हाँ, भगवान भोलेनाथ, माँ काली या सभी देवता, सब रूप अनेक है लेकिन है तो एक ही। बिल्कुल। और उनसे हम दया और क्षमा की भीख मांगते हैं, संसार के सभी सज्जन स्त्री का सुहाग और वंश आनंद रहे, लहन प्रभु हमको भी लगा के रखिएगा और दोनों बेटा हम कोई किसी से कम नहीं रहे, माँ आपसे दया और क्षमा के। यहाँ पर जी पूजा पाठ हो गया, यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद अब चलेंगे सीधे केक लेने के लिए। और केक जो है जब भी मंगवाना होता है जी, ज्यादातर हम कोशिश करते हैं होममेड केक हो, थोड़ा सा उसमें शुगर का क्वांटिटी जो है कम हो, कोशिश तो करते हैं सबसे पहले शुगर फ्री ही रहे। तुम्हारी आंटी जो है वो भी अपना सालगिरह में भगवती को हाजिरी देने आई है। अच्छा, लेकिन अभी तो हम खुद जा रहे हैं इसलिए इसका पार्टी बाकी है, मेरा बाकी रहा। भगवती से प्रार्थना करते हैं हमारा देवर चिरकाल तक रहे आनंद से, और हम सब गोतनी साथ है जो मन आशीर्वाद बना रहे। हाँ सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया दीदी से मिलके। चलिए 20 मिनट्स। तो सभी लोग जी इस रेस्टोरेंट में आ गए और यहाँ जो रेस्टोरेंट है इसमें हम लोग आए हुए हैं पहली बार। हम लोग सारा रेस्टोरेंट सब ट्राई कर चुके हैं, बस अब एक यही बचा हुआ था क्योंकि यह नया नया ही खुला है तो हम लोग को पता नहीं चला। और यह रेस्टोरेंट का जो इंटीरियर है देख सकते हैं जी, काफी अच्छा है, एम्बियंस भी यहाँ का काफी अच्छा है। ये देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये पानी वाला जो फ्लो चल रहा है। और नाम रखा है इसका क्या, गार्डन किचन रखा है या किचन गार्डन कुछ रखा है, ऐसा करके कुछ है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको गार्डन जैसा ही फीलिंग आएगा, पूरा घास सब लगा हुआ है एंट्रेंस में, वो अभी आपको दिखाएंगे कुछ देर बाद। और फिलहाल हम लोग ऑर्डर किए हुए, बाकी सभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं ऑर्डर करने के लिए, सभी को सभी कुछ अच्छा लगता है। मम्मी के लिए थोड़ा सा जो है सोचना पड़ता है कि क्या ऑर्डर करें जो मम्मी खा ले। तो मम्मी को सिर्फ स्टार्टर अच्छा लगता है, मेन कोर्स में शायद ही कोई चीज अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, बाद में अगर उनके मन पसंद के ऑर्डर नहीं हुआ तो कह देगी कि तुम पैसे भी रखो। और क्रियांश अच्छी बात है कि अभी फिलहाल सोया हुआ है तो बिल्कुल वहाँ एक बच्चा। मेरा सालगिरह है, मेरी दोनों बहन का,
एक साथ है और ईश्वर की असीम कृपा मानो हमारी प्रार्थना सुन लिए सब लोग एक साथ हैं तो एक साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा है। तो हमने जी केक का भी कर दिया है ऑर्डर और केक जो है कुछ ही देर में आ जाएगा यहाँ पर, तो केक कटिंग भी होगा और फिर उसके बाद खाने का होगा। तो हम लोग का जी यहाँ पर केक आ गया है और यहाँ पर जो है कैंडल का बस इंतजार है, तो कैंडल भी जस्ट आ जाए तो उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी होगा। आ गया ठीक है, चलिए थैंक यू भैया। मंदिर में भी बनाते थे हाँ, लेकिन आजकल के बाल बच्चे का शौक है उसकी खुशी के लिए हम लोग एग्री हो गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा सब आगे बढ़े, माँ बाप का अरमान पूरा करते रहे। हर साल मनाते रहे, मनाते मनाते 50वां आ जाए फिर तो आप जानते ही कि हमारा बेटा कैसे मना सकता है, वो आपको पता ही। चलो ठीक है, तो फिलहाल जी हाँ कैंडल लगा लो। Few moments later. यहाँ पर जी सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं और अब बारी है केक कटिंग सेरेमनी की। यहाँ पर जो है कैंडल भी जल चुका है तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं केक कट करते हैं। तो केक कटिंग का जी हो गया है सेरेमनी और अब जो है हम लोग का स्टार्टर भी आने वाला है। क्या हुआ बीच में? आंटी बोल रही थी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे बोले क्या जो उनको ध्यान ही दे रहा ये एनिवर्सरी है। हम सोचे क्या हम सारे मजाक से कहे, हम सब जानकारी का। अच्छा सुने ना, ये केक को लेकर के चले जाइएगा, थोड़ा स्लाइस कर दीजिएगा खाना खाने के बाद, हाँ कर दीजिएगा ठीक है। हमें तो केक काटने में बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि हमें मेज घिसकाना पड़ा, हमें आ ही नहीं रहे। जानते हो मेरी बहू क्या समझ रही है, आंटी को पता नहीं है। अरे जीजा जी है तो सालगिरह पर तो बनता था ना, बिल्कुल। तो मैंने होली के समय पर मजाक किया, यही समझती है हकीकत में। ससुराल का तो सभी परिवार बहुत बड़ा है, सभी लोग सब जगह हैं, लेकिन मायके का परिवार जो लगभग सब लोग नहीं आ गए हैं, एक भाई नहीं आया है, कानपुर से वीडियो देखेगा। तो बारी है जी खाना की, तो सभी लोगों का अब जो है खाना स्टार्ट हो गया है। तो दीदी सबसे पहले तुम खा लो पनीर टिक्का और बताओ कैसा लगा। ठीक है हाँ, और क्या One hour later. तो सभी का खाना पीना हो चुका है। आंटी कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर। खाना अच्छा लगा? बहुत सुंदर खाना था। बिल्कुल जी, तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट टाइम आना था और टेस्ट करना चाह रहे थे कि आखिर कैसा है, तो अच्छा लगा जी। स्पेशली हमको स्टार्टर तो ज्यादा अच्छा लगा, मेन कोर्स। माँ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। सबसे पहले जैसा अवसर है यहाँ खाना का कोई महत्व नहीं है, ये अवसर का महत्व है। उसके साथ खाना हुआ तो और चार चांद लग गया। नहीं, खाना का टेस्ट कैसा लगा? नहीं अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जहाँ भी खाए हैं तो वहाँ किसी से कोई कम नहीं। अच्छा लगा। आप भी बोल नहीं दीजिए मम्मी कुछ। खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ के स्टार्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतरीन स्टार्टर ना। नहीं बहुत अच्छा, जब हम आएंगे तो वही खाएंगे। अभी तक तो क्रियान सोया हुआ था और कुछ देर पहले ही उठ गया और यहाँ जब पानी का फवारा चल रहा है, क्रियान सारा यहीं पर खेले, कहीं एक बार डुबकी लगा के नहा ना ले, समय भी नहा लिया था। ये हाथ उसमें डालने का ही प्लानिंग है, उठ जा क्रियान। देख सकते हैं हम लोग कैसे बैठे, ये मम्मी की गोदी में हम बैठे। अच्छा एक बात, मोटा तुम्हारे मम्मी के पैर पे, ये देखिए हमारे हमारे आगे बैठने का फायदा यही है जो कि हमारी बहू मेरे गोद में है। आप लोग कमेंट करके बताइए ये सही है गलत। आप भी बैठाइए, गाड़ी दरवाजे लग जाए मेरा दिक्कत नहीं होगा। तो अच्छा पापा भी आ रहे हैं, पापा भी आ गए, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है तो चलो चलते हैं। पहले तो मेरे ऊपर पे सामान रखा जाता है, आज मेरी बहू बैठी है, चलो बच्चे तो इसे भी बैठते हैं।
हम उतने भारी भी नहीं है, जब कुछ दिक्कत होगी गाड़ी है उसे नहीं बटना देंगे। बहुत गाड़ी क्यों है, आप तो देखते हैं गाड़ी ओनर मैं हूं, इसलिए हम अपने बेटे के साथ बैठते हैं। बेटा डर से लाचारी गाड़ी ओनर मम्मी पीछे बैठा हुआ आगे मोटा पा होने का फायदा उठा रही है। हम बेटा से डर सकते हैं ऐसा आप लोग लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मम्मी हर चीज में करती है कमेंट करके जरूर बताइए। अरे तभी तो आपको पता लगेगा आप लोग क्या सोच रहे हैं। मम्मी कमेंट बहुत पढ़ती है, माँ भी बहुत पढ़ती है। हाँ पढ़ते रहते हैं सब चीज का नजर लग जाता है। हाँ ये बात सही है।